सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतुहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम्हें यहाँ किस लिए छोड़ा है? ताकि मैं आपको खबर कर सकूं कि अमानतदार आपका मुंतजर है। सुल्तानी मौजम पर कातिलाना हमला होगा। रस्सियां खोलने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपकी तरह बासलाहियत नहीं हूँ। हम उसे कैसे पहचानेंगे? क्या तुमने पहले उसे देखा है? उसका चेहरा जला हुआ है। हमारे सिपाही ने पहले ही इसकी छतरी से गोली निकाल ली थी। ये अंजाम होता है साजिश करने वालों का। मैं आपके साथ शराकत करने आया हूं। आ जाओ जज़ार। मैं चाहता हूं कि आप आर्मीनी हिंजक और दशनक ग्रोह के अफराद से मिलकर उनसे बात करें और पेरिस में होने वाले इजलास में शमूलियत के लिए राजी करें। यानी इसका मतलब सबाती ने झूठ बोला है? क्या उनका इरादा कुछ और है? उनका इरादा आर्मीनिया की दहशतगर्दों की हिमायत हासिल करना है पेपकिन की मदद से। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि फौज साहब को जहर देने वाला कौन है नहीं जानते। हो सकता है कि ये कोई फरार का मंसूबा हो। सबाहतीन साहब आर्मीनियाई गुंडों की हिमायत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पेपकिन इस मसले को हल कर सकता है। सबाहतीन अपने मकसद से हार नहीं मानेगा। तुम तो अपने बेटे को जानती तक नहीं। बजायर उसने ये झूठ इसलिए बोला है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। ओजानियन, जाओ और उस आदमी को मार डालो। वो सब फरार हो गए। कैसे फरार हो गए? हम सब ने गलतियां की हैं। अगर एक और गलती की तो हमें अपनी जान देकर उसकी कीमत अदा करनी होगी। क्या खलील खालिद नहीं मरा? नहीं मरा। तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। हमारा सारा माल जाया हो जाएगा। हरगिज नहीं। हम मंशियात फरोख्त करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकेगा। खलील खालिद जिंदा है, हम ये कैसे करेंगे? क्या तुमने जुआ खाना तैयार कर लिया है? बेहतरीन। हम सारा काम जुए खाने से करेंगे। कीमियादान मंशियात तैयार करेगा और उन्हें डाक में छुपाएगा। फिर वो डाक टिकट रकम के एवज डाक खाने को दे दी जाएगी और फिर हम इस तरह डाक खाने से पूरे पाए तख्त में मंशियात फरोख्त करेंगे। इस तरह हमारा जुआ खाना भी चलेगा और पूरा पाए तख्त मंशियात गादी भी हो जाएगा। नाजुक अंदाम आई हैं? नहीं। फिर वो कब आएंगी? वो कुछ अरसा नहीं आएंगी। इसके अलावा वो आपसे नहीं मिलना चाहती।
ठीक है, क्या आप उन्हें ये दे सकती हैं? मैंने ये खास उन्हीं के लिए लिखा है। ठीक है, मैं कल दोपहर उनका मुंतजर रहूंगा। ये बेकार होगा, लगता नहीं है कि वो आएंगी। अगर वो ना आई तो मैं उनसे मिलने उनके घर जाऊंगा। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे मैं वहीं पर रहूंगा, ये बता दीजिएगा। हमने सुना है कि बरतानवी कारखानों में खुदकार बंदूक तैयार की जा रही है, क्या यह दुरुस्त है? जिसमें हवा के दबाव से गोलियां चलेंगी, एक मिनट में 600 गोलियां। ये दुरुस्त है सुल्तान मौसम। हम वो असलहा अपनी फौज के लिए खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, कीमत अदा करेंगे हम। सुल्तान मौसम, बदकिस्मती से यह नामुमकिन है। वो क्यों? वो असलहा खुसूसी तौर पर बरतानवी फौज के लिए तैयार किया गया है, हम बेच नहीं रहे। यानी आप उसे किसी भी रियासत को नहीं बेच रहे? जी सुल्तान मौसम, हम नहीं बेच रहे। बरतानवी काबीना ने असलहा बेचने की इजाजत नहीं दी। अगर असलहा किसी रियासत को नहीं बेचा जा रहा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें एक सरकारी खत फराहम कीजिए। एक ऐसा सरकारी खत जिसमें ये लिखा हो कि काबीना की इजाजत के बगैर वो असलहा किसी भी रियासत को नहीं बेचा जाएगा। जरूर सुल्तान मौजम। सुल्तान मौजम, क्या ये वही असलहा है जिसका अहमद पाशा आर्मीनी गुंडों के लिए मुतालिबा करेंगे? बिल्कुल पाशा, हम इसे देखेंगे। सफीर ने कहा कि वो असलहा हमें बेचना नहीं चाहते। हम देखेंगे कि आया वो असलहा आर्मीनियाई दहशतगर्दों को देंगे या नहीं। मैं आपकी हिमायत करूंगा। बहुत अच्छी खबर है ये, चल के काम शुरू करते हैं। ये इतना आसान नहीं है। हमारी कुछ शरायत है सबाहुद्दीन साहब। कैसी शरायत? पाया तख्त में मेरे कुछ साथी हैं जो अब्दुल हमीद की फौज का सामना करने के लिए पुरजोश हैं, लेकिन हमारे पास असलहा नहीं। ठीक है, हम आपको असलहा मुहैया करेंगे। हमें कोई आम असलहा नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा असलहा चाहिए जो अब्दुल हमीद के 100 सिपाहियों के लिए भी काफी हो। और मैं ऐसा असलहा कहां से लाऊंगा? बर्तानिया से। बर्तानिया ने एक खास किस्म का असलहा तैयार किया है। उसकी खासियत यह है कि वो एक मिनट में 600 गोलियां चलाती है और हवा के दबाव से चलती है। अगर आप वो असलहा मंगवा लेते हैं और पाया तख्त में मौजूद हमारे भाइयों को दे देते हैं, तो फिर मैं तशनक और हिंजक गिरोह के अफराद को आपके इजलास में शामिल होने का हुक्म दे दूंगा। फिक्र ना करें, आपको वो असलहा मिल जाएगा। जो कर सका वो करूंगा मैं। आप वो असलहा पाया तख्त लाएंगे सबाहुद्दीन साहब, और यहां मौजूद हमारे भाइयों को दे देंगे। हम पाया तख्त में काम खत्म करके पेरिस में आपके नई रियासत का मंसूबा तैयार करेंगे। तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आ रही हो और मुझे रास्ते से हटाना आता है। स्नेहा सुल्तान, क्या आपकी तबीयत ठीक है? उस कत्ल की कोशिश ने हमें बहुत मुतासर किया है। दुश्मन हमारे बीच मौजूद है, ये सोचकर हमें हर चीज से खौफ आने लगा है। बिदार खातून, क्या सुल्तान मौजम शिवनास खातून को उनके मंगेतर फात साहब से मिलने की इजाजत दे देंगे? जी हाँ, सुल्तान मौजम की रहम दिली से तो आप वाकिफ ही हैं। शिवनास खातून अफसुर्दा हो जाएंगी। हम तो कहते हैं कि उन्हें मिस्र वापस भेज दिया जाना चाहिए, यानी
अब उनका महल में कोई काम नहीं रहा, उनकी शादी नहीं हो सकी, और अब उनके पास यहाँ सिवाय कुछ बुरी यादों के कुछ भी नहीं बचा है उनके लिए। जब वो अपने घर वापस जाएंगी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में जल्द ही अपना दर्द और जख्म भूल जाएंगी, उम्मीद है हमें। दुरुस्त कह रहे ना, आप मुत्तफिक हैं। वैसे आप दुरुस्त कह रही हैं, हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। फौत? इनकी हालत ठीक नहीं है, ये आपसे बात नहीं कर सकते। क्या इनके साथ कुछ देर तन्हा रह सकती हूँ मैं? फौत, फौत, फौत। शिवनास, तुमने मुझे क्या दिया था? एक आम सा जहर था, मुझे नहीं मालूम था इतना बीमार हो जाओगे तुम। मर रहा हूं मैं, तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? फजूल बातें मत करो, तुम्हें कितनी कमजोरी हो गई है, मुझे लगा था ज्यादा असर नहीं करेगा तुम पर। मुझे ठीक करो, ठीक करो मुझे। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। ऐसी हालत में तो हम तुम्हें अगवा भी नहीं कर सकते। बस ठीक हो जाऊं मैं, फिर अब्दुल हमीद के जिंदान में भी रहने पर राजी हो जाऊंगा। अब तुम जिंदान नहीं जाओगे, पहले तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए, फिर हम तुम्हें अगवा कर लेंगे। मेरा ख्याल है तब तक वैम्बेरी भी आ जाएगा। क्या ये ठीक कर देगा मुझे? इसकी एक खुराक काफी नहीं होगी, और मैं दोबारा नहीं आ सकूंगी यहाँ। मैंने हर बहाना इस्तेमाल कर लिया है तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसे तुम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। शिवनास, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। ये जल्दी ठीक हो जाएगा, इसे बस आराम की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया तबीब साहब, खैरियत से जाइए। ये जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम इस जाल में कैसे फंस गए? हमने रहम दिली दिखाई था दादा, वो बहुत सख्त लोग हैं, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो फिर हुक्म दीजिए जरा, मारेंगे या मर जाएंगे? हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम उनसे लोगों का और जजार का इंतकाम नहीं ले लेते। उन्हें जरूर मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा पाशा हजरत, हमने हथियार खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। सुल्तान मुअज्जम, जहां तक मैं इस मामले को समझ सका हूं तो ये उनका अंदरूनी रियासती फैसला है। सफी साहब ने भी यही बताया है कि वो उसे किसी को भी फरोख्त नहीं करेंगे। यही तो देखना है पाशा। अहमद पाशा ने सभा तीन से आर्मीनियाई गिरोहों के लिए असलहा मांगा है। हम देखेंगे पाशा, क्या बर्तानिया वो असलहा आर्मीनियों को देगा या उन्हें भी नहीं देगा। आ जाएं। सुल्ताने मौसम, क्या सूरत हाल है अहमद पाशा? मैंने सबाहतीन साहब से कहा कि हमें हथियार चाहिए। वो ये जानते हैं कि मैं ये आर्मीनियाई दहशतगर्दों को दूंगा। सबाहतीन असलहा बर्तानिया से मांगेंगे, हमारा मंसूबा बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे मंसूबे के अंदर भी एक मंसूबा है। अगर वो हथियार
पाए तख्त आते हैं तो वो किसी को भी नहीं दिए जाएंगे बल्कि हमारे पास होंगे। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि वो हथियारों की तैयारी के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सारी मालूमात होनी चाहिए ताकि हम खुद हथियार तैयार कर सकें। फौत की हालत ठीक नहीं है, हमें जल्द ही उसे अगवा करना होगा। वैम्बेरी गायब हो गया है, उसे मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन नहीं मिला वो। मुझे लगा था कि वो यहीं होगा। पॉपकिन को खबरदार करने के लिए महल गया था वो। वो आदमी ज़ईफ है बहुत। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद थक के आराम कर रहा हो। फिलहाल ये मामला अहम नहीं है। अच्छा हुआ कि आप आ गई, आपसे एक बात करनी है, बहुत अहम। क्या बात है? पॉपकिन को राजी कर लिया है मैंने, लेकिन एक शर्त है उसकी। कैसी शर्त? असलहा चाहिए उसे, बर्तानिया का तैयार करदा जदीद तरीन असलहा। हवा के दबाव पर चलता है वो, उसे खुदकार बंदूक कहते हैं। ये सूरत हाल मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कोई आम असलहा नहीं है, क्या बर्तानिया दे देगा? अगर वो हमें असलहा नहीं देंगे तो मेरे बाबा रोथचाइल्ड उन्हें रकम देना बंद कर देंगे। बेफिक्र हो जाओ, सफीर से मैं बात करूंगी। बहुत खूब। क्या तुम सहाफी आरिफ हो? हाँ मैं हूं। बैठो बग्गी में। तुम कौन हो? शहजादा अब्दुल कादिर। आ जाएं। सुल्तान मौसम, बरतानवी सफीर ने वो तहरीर भेजी है जिसका हमने मुतालबा किया था। बहुत खूब। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे मंसूबे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ये मंसूबा बरतानिया को कड़ा सबक सिखाएगा और नौजवान तुर्कों को याद दिलाएगा कि वो किससे लड़ रहे हैं। काश वैसे गैर अखलाकी रास्तों पर गामजन होने के बजाय सीधे रास्ते पर कायम रहते ताकि हम अपनी सलाहियत कौम के फलाह बहबूद पर सर्व करते। एक ही रास्ता है पाशा, और वो है सिरात मुस्तकीम। हम अपनी हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं सुल्तान मौसम। पाशा, इसे सिरात मुस्तकीम ही क्यों कहा जाता है, तरीके मुस्तकीम क्यों नहीं कहा जाता? तरीक का मतलब भी रास्ता है, तो फिर सिरात मुस्तकीम ही क्यों कहा जाता है? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं सुल्तान मौसम। क्योंकि पाशा, सिरात की अरबी में कोई जमा नहीं होती, यानी सिरात का मतलब है एक वाहिद रास्ता, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता, और वो है इस्लाम। काश वो ये बात जानते कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है, फिर वो कभी गुमराह नहीं होते। लेकिन उन्होंने दूसरे रास्तों का इंतखाब किया और सीधे रास्ते से भटक गए। सुल्तान मौसम, एक मसला और है। कहिए पाशा, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौसम, एक शख्स आया है और वो आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। अहमद पाशा की एहतियाती तदाबीर के पेश नजर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो किसी दर्द में मुब्तला है। उसे लगता है कि आप ही उसके दर्द का इलाज कर सकते हैं, इसीलिए वो बजिद आपसे मिलने के लिए। दर्द का दरमा करने वाला सिर्फ अल्लाह है पाशा, हम तो सिर्फ वसीला हैं। बुलाइयों ने बहुत बेहतर सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलो बेटा, आइए। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौसम, आपने दरवाजा खोला मेरे लिए। क्या मसला है आपका, बताइए। मेरा एक बेटा है सुल्तान मौसम, कम उम्र है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही वो नमाजी परहेजगार था, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि। क्या हुआ बताइए हमें। सुल्तान मौजम, उसने मनशियात इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, वो हमें अपने दोस्तों को और इबादत को भूल बैठा है, बिल्कुल तबाह हो गया है वो। पहले हर रोज अपनी माँ के हाथ चूमता था, लेकिन मनशियात का इतना बुरा असर हुआ है कि
अगर उसकी माँ उसे रकम ना दे तो उन पर हाथ उठाता है। मंशियात पाया ये तख्त में हर जगह फैल चुकी है। कुछ कीजिए सुल्तान मुअज्जम। हम समझ गए, आप अपने बेटे का नाम तहसीन पाशा को बता दीजिए। हम मालूम करेंगे कि ये क्या मसला है और पाया तख्त में कब से मौजूद है। इंशाल्लाह हम अपने नौजवानों को इस अजाब से बचा लेंगे। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह भला करे। आप परेशान ना हो। तहसीन पाशा, खलील खालिद साहब को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हमें इससे ज्यादा की जरूरत है। मैं इतने ही तैयार कर सकता हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप फिनोजी को यहां भेजेंगे तो शायद ज्यादा तैयार कर सकूं। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? हमें आपसे कुछ बात करनी है, यही इंतजार कीजिए। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? उस बारे में जो आप हमारे खानदान के बारे में लिख रहे हैं। मैं एक आजाद अखबार का आजाद कारकुन हूं। आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते इसलिए कि आपको मेरे मजामीन पसंद नहीं आए। आप हकीकत नहीं लिखेंगे तो यकीनन हम आपसे सवाल करेंगे। आप झूठ लिखकर लोगों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। लोगों की मालूमात हासिल करने की आजादी पर कदकन लगाकर उनके जहनों को साफ रखेंगे। वो सब बच्चे नहीं हैं। खबर वो होती है जिसपे हकीकत बयान की जाए, लेकिन आपके मजामीन आपके फरीब को जाहिर करते हैं। आपको फौरन ये सब कुछ रोकना होगा। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मैंने क्या करना है। क्या आपको ये लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा कि आप मुझे अपने मुहाफिजों के जरिए यहां लाए हैं? आप एक बुजदिल इंसान है, एक ऐसा बुजदिल शहजादा जो अपने ओहदे और मुहाफिजों के पीछे पना लेता है। दुआ करो अपने लिए शहजादे, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। खुश आमदी शिवनाज खातून, मुझे दीजिए मैं पकड़ लेती हूं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? स्नेहा सुल्तान इस कोशिश में है कि आपको पाए तख्त से दूर भेज दिया जाए। बेदार सुल्तान से बातें करते सुना है मैंने उन्हें। और क्या सुना है बताओ मुझे। स्नेहा सुल्तान ने कहा कि अब कोई वजह नहीं है कि जिस बुनियाद पर आप यहाँ कयाम करें, और ये भी कहा कि आपकी यहाँ से काफी बुरी यादें जुड़ी हैं और आप अपने मुल्क वापस चली जाएं जहाँ आप पैदा हुई हैं। तो ये बात है तो बेदार सुल्तान ने क्या कहा? उनकी बात से सहमत है, वो आपको भेज देंगी। अपना मकसद पूरा किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन स्नेहा सुल्तान जरूर जाएगी। मैं उसके लिए एक ऐसी दवा तैयार करूंगी कि उसके अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो अपनी अकल खो देगी और उसके बाद उसे दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाएगा। ज़ैनब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम से मिलने और आपको देखने के लिए यहाँ आया हूं मैं। वो उस दिन बात अधूरी रह गई थी। बात खत्म हो चुकी है अब, और वैसे भी बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं ज़ैनब, जब तक आपको मुझ पर यकीन नहीं हो जाएगा मैं बात करता रहूंगा। वो चाल था हमारे लिए, हमें लगा उस बग्घी ने मंशियात लाई जा रही है। बस अब बहुत हो गया है। आपकी बातों से मेरी बहन वापस नहीं आ सकती, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आपने मुझे शहजादे बहमत सलीम साहब को बताने से रोक दिया कि हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है। शहजादे पहले कब्रिस्तान लेकर गए आपको,
और मैं देख रहा हूं कि वो बजाहिर आपकी काफी देखभाल कर रहे हैं जैनब। उन्होंने मुझसे शादी की ख्वाहिश की है। आपने क्या जवाब दिया? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जल्द ही हाँ कह दूंगी। आप उन्हें हाँ कह देंगी? क्या आप उनसे मोहब्बत करती हैं? आप तो मुझसे शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती थी। आपने कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ठीक नहीं है, लेकिन आपने बहुत इसरार किया और मुझे कायल कर लिया। क्या अब आप इस सब के बाद मुझे छोड़ रही हैं जैनब? जवाब दीजिए, महल में रहकर सुल्ताना बनना चाहती हैं तो कह दीजिए। नहीं, महल में रहकर हरगिज सुल्ताना नहीं बनना है मुझे। तो फिर मुझसे दस्तबरदार क्यों हो रही है? क्यों छोड़ रही हैं मुझे जैनब? क्योंकि सब खत्म, आपके साथ नहीं रह सकती। यहाँ तक कि मेरा दिल भी इस बात की गवाही देता है कि आप मासूम हैं, लेकिन मैं अपने दिल को अपनी बहन के कातिल की वजाहत बिल्कुल नहीं दे सकती। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें एक बार फिर दस्तरखान पर यकजा किया। शुक्र है अल्लाह हमें बुरे दिनों से महफूज रखे सुल्ताने मौसम। आमीन। लेकिन बुरे दिन हमारे आसपास ही होते हैं मलिका। जब तक हम अपने लोगों और अपनी रियासत को बचाने की कोशिश करते रहेंगे, दुश्मन भी हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। कौन जाने कि वो कब कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर हम कौम के बच्चों को अपने वतन और अपनी सरजमीन की हिफाजत करना सिखा दें, अपने ईमान, अजान और अपने झंडे की हिफाजत करना सिखा दें, तब हमारे दुश्मन शिकस्त खा जाएंगे हमसे। ये हमारी दायमी फतह होगी। फुआद साहब कैसे हैं? क्या उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर है? नहीं, उनकी बीमारी संजीदा है। क्या आपने उस सहाफी को सबक सिखाया जो झूठी खबरें लिखता है सुल्ताने मौसम? हमने वो किया जो जरूरी था, आप फिक्र ना करें। आपने क्या किया? हम उस सहाफी आरिफ को अपने साथ सैर पर ले गए थे कुछ ताजा हवा के लिए। क्या उनसे झगड़ा किया? क्या वो हमसे लड़ने की हिम्मत रखता है? पहले उसने आपके बारे में झूठी खबर लिखी, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसने हमारे सुल्ताने मौसम के खिलाफ झूठा मजमून शाया किया, हमने उसे सही तरह से जवाब दिया है। बेटे, सच को साबित करने के लिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। कलम के जरिए वार करने वालों को हम कभी ताकत के जरिए जवाब नहीं देंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ताकत की जबान समझते हैं। खलील खालिद, कैसे हैं आप? तवील अरसा गुजर गया, हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो सकी। आपको मालूम होगा कि यह वक्त बातें करने का नहीं है खलील खालिद, बल्कि यह वक्त आवाम और रियासत का ख्याल करने का वक्त है। बगैर किसी से डरे, बगैर रुके और बगैर थके। हमें अपनी रियासत और आवाम की फिक्र के अलावा और कोई परेशानी नहीं है पाशा। तो फिर मुझे बताइए खलील खालिद, आप जानते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं? जब सुल्ताने मौसम बुलाते हैं तो हम कभी सबब नहीं पूछते। मैं पूछता हूं कि मेरी गलती क्या है कि सुल्ताने मौसम ने मुझे बुलाया है? आप भी पूछिए खलील खालिद, जो कुछ आपके सुपुर्द किया गया उसकी हिफाजत के मुतालिक खुद से पूछिए। मुझे बताएं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं पाशा। जो कहना था वो कह दिया मैंने खलील खालिद।
پائے تخت کی حفاظت یقینی بناؤ، باقی آپ کو سلطان موسم بتائیں گے۔ یقیناً وہ بتائیں گے، اور سلطان موسم کے علاوہ ہم پر کسی اور کے الفاظ اثر انداز بھی نہیں ہوتے پاشا۔ آپ نے مجھے بلایا سلطانہ؟ جی بالکل، ہم نے آپ کو بلایا ہے، آئیے بیٹھیے۔ میں گئی تھی فوج صاحب کو دیکھنے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں بس۔ اللہ آپ کا اور سلطان موسم کا بھلا کرے، آپ کی وجہ سے انہیں آخری بار دیکھ سکے، اپنے سارے حقوق معاف کیے اور دعا کی ان کے لیے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اب آپ کو خود پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں میرے ماموں وفات پا چکے ہیں، میرے خاندان میں اب کوئی باقی نہیں رہا، میرے پاس جانے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں اور کوئی گھر نہیں جہاں رہ سکوں، اب آپ لوگ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے مجھے قبول کیا۔ شیوناز خاتون، ہم نے صرف وہی کیا ہے جو ہمارا فرض تھا، آپ اس کے لیے کسی کی بھی مقروض نہیں ہے، ایسا مت سوچیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں سلطانہ، اگر بہتر سمجھیں تو میں یہی رہ کر کام کرنا اور ریاست کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کس طرح کا کام کرنا چاہتی ہیں؟ میں محل میں موجود لڑکیوں کو فرانسیسی اور انگریزی سکھا سکتی ہوں، یا کوئی اور کام جو آپ کو مناسب لگے میرے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے پریشانی ہوگی؟ یعنی یہاں محل میں رہنا آپ کی بری یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھے گا۔ یقیناً، لیکن اگر یہ فائدے مند رہا تو جلدی میں اپنی بری عادتوں کو بھول جاؤں گی، پرسکون ہو جاؤں گی۔ آپ نے یاد کیا سلطان معصوم، ریاست میں لوگوں کو منشیات کا مسئلہ درپیش ہے خلیل خالد صاحب۔ بالکل، میں جانتا ہوں، ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ کب سے اقدامات کر رہے ہیں؟ کچھ وقت ہو گیا ہے سلطان معصوم، لیکن ہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے ہیں۔ احمد پاشا کو ملنے والی معلومات کے مطابق منشیات ہر گلی میں پہنچ چکی ہیں۔ سلطان معظم، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک پایا تک سے منشیات کو ختم نہیں کر دیتا۔ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے خلیل خالد صاحب، لیکن یہ مصیبت ہر لمحے ہمارے لوگوں کی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلطان معظم، وہ منشیات کو خام شکل میں لے کر آئے تھے، وہ اسے یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم ابھی تک تلاش نہیں کر پائے کہ انہوں نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے، لیکن جو یہ منشیات تیار کر آیا ہم جانتے ہیں وہ شخص کہاں ہے، اسے پکڑیں گے اور سزا دیں گے ہم۔ ہم آپ کو جانتے ہیں خلیل خالد صاحب، آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اور پایہ تخت کی عزت اور وقار کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے، جائیں اور اپنے وعدے پورے کریں۔ یہ ترک قہوہ آپ نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ اگر اس ترک قہوے کی طرح آپ سیاست کرتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ چھوڑ دیجیے۔ لیکن اسلحے کا معاملہ حل ہو گیا۔ برطانوی اسلحہ دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ شاید قہوہ نہیں بنانا آتا مجھے،
लेकिन ताल्लुकात अच्छे हैं मेरे। बंदूकें रेल के जरिए आ रही हैं। बहुत खूब, हम वो बंदूकें यसल को ले जाएंगे। जहां भी चाहे ले जाइएगा, लेकिन कुछ जानना चाहता हूं मैं आपसे। वो क्या? आप उन्हें कब और कहां इस्तेमाल करेंगे? आर्मीनियाई बहुत जल्द पाया तख्त में बगावत शुरू करने वाले हैं। कैसी बगावत? दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे जो आलमी ताकतों को ललकारेंगी और उन्हें पाया तख्त में मदाखलत पर मजबूर करेंगी। आर्मीनियाई दहशतगर्द अहम जगहों पर हमला करेंगे। हमें इसमें भी आपका तावुन चाहिए होगा। किस तरह का तावुन? आप अखबार में मजामीन लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आप इन हमलों की हिमायत करते हैं। इस तरह हमें आपके आर्मीनियों के साथ तावुन पर यकीन हो जाएगा। ये नहीं कर सकता मैं। आपको करना ही होगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम भी आपके साथ तावुन कर रहे हैं और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि वो हथियार आर्मीनियाई ग्रोहों के पास जाएंगे। हत्ता के इनकलाब खून बहाए बगैर नहीं आ सकता, ये आप ही के अल्फाज से सबहद्दीन साहब। बताइए आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं इस बारे में लिखूंगा, लेकिन बरतानवी वो असलहा जासूसों के जरिए भेज रहे हैं, वो हमें ऐसा करने की इजाजत देंगे ये नहीं जानता मैं। क्या आप ठीक हैं मेंबर साहब? मुझे कोई शिकायत नहीं है सुल्तान मौजम। आप जो भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं वो यकीनन बदतर हालात को रोकने के लिए होती है। हम जानते हैं जब आपको कोई दुश्वारी नजर आती है तो आप नर्म पड़ जाते हैं, लिहाजा हमने ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। रूथ चाइल्ड ने पाए तख्त को छोड़कर बुरा किया, उन्हें शिकस्त होगी। जनाब रुथसेल्ड बीमार हो गए क्योंकि उन्होंने जो रकम नौजवान तुर्कों को दी थी उसे गलत तरीके से दिखाया गया, लेकिन वो फिर कोशिश करेंगे और वो फिर शिकस्त खाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आपको दोबारा देखना चाहेंगे। आप गलत सोच रहे हैं वेम्बर साहब, वो मैदान जंग से भाग गए लेकिन वो वापस आएंगे। वो आएंगे और किले के सामने दीवारें तलाश करेंगे। बहुत से लोग थे जो इस किले की दीवारों को मिसमार करना चाहते थे, लेकिन वो इसी की दीवारों तले दबकर मर गए। हमें लगा कि आप उकताहट महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए हम आपके साथ मौसीकी सुनना चाहते थे। तुर्क मौसीकी? मैं हमेशा सोचता हूं क्या ये मगरबी मौसीकी की बराबरी कर सकती है? आपका क्या ख्याल है इस्माइल हकी साहब, क्या तुर्क मौसीकी मगरबी मौसीकी की बराबरी कर सकती है? यानी मेरा मतलब मोजार्ट, बिथोवन, बाह, वाग्नर जैसे अजीम और बासलायत मौसीकार क्या तुर्कों के पास भी है? सुल्तान मौजम, आप जानते हैं कि मोजार्ट एक अजीम मौसीकार था, लेकिन अपने वालिद को लिखे गए खत में उसने कहा कि वो अपनी मौसीकी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और इसमें तुर्क मौसीकी को शामिल करेगा। मशहूर तुर्क धुन जिसे तुर्क कौमी नगमे के तौर पर भी जाना जाता है, इसमें कमाल यह है कि बाएं हाथ से दफ बजाई जाती है जबकि दाएं हाथ से झांझ बजाई जाती है। जो मौसीकी मैदान जंग में फौजियों का हौसला बढ़ाती हो उसे कमतर नहीं समझना चाहिए। सुल्तान मौसम, जब दीदे साहब पेरिस गए थे तो पेरिस के मौसीकारों ने कहा कि तुर्क मौसीकी में कोई भी तरन्नुम नहीं है। दीदे साहब अफसरदा हो गए। उस रात उन्होंने एक गुलाब की टहनी के नाम से नज्म लिखी और उसकी मौसीकी तैयार की। तो चलिए फिर यही सुनते हैं। Thank you.
hal adabu gönlümü simten gonca fen bir bedel ol güzel simten gonca fen bir bedel ol güzel ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü pür eda pür cefa pek küçük pek güzel pür eda pür cefa pek küçük pek güzel. हमारे बेटे, हमारे दिल का टुकड़ा, सबाहती। कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश मुश्किल है। असल में परवरिश नहीं, बल्कि उनकी तरबियत करना मुश्किल है। और हम ये नहीं कर सके बेटा। हमने खो दिया आपको। हम आपको संभाल नहीं सके। खुदा का कहर नाजिल हो उन पर जो हमारी जमीनों में शैतानी दिल के साथ सांप बनकर दाखिल हुए और आपको हमसे छीन लिया उन्होंने। कहर नाजिल हो उन पर जिसने हमें हकीकत बताने से रोका हुआ। वो शैतानी इंसान शिवनाज है। लानत हो उस पर। उसे फौत के पास जिंदान में ले जाने की वजह यह थी कि वो हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। शिवनाज ने उस दिन फौत को जहर दिया था। वो अस्पताल चले जाए इसीलिए शिवनाज ने उन्हें जाती तौर पर जहर दिया। हमें शक है कि वो फौत को अस्पताल से अगवा करवा लेगी। वो यकीनन सुल्तान मुअज्जब के कत्ल के मंसूबे में शामिल थी। एक दिन आएगा जब सब उसकी हकीकत जान लेंगे और शिवनाज अपनी चालों में खुद फंस जाएगी। आ जाए। क्या हुआ, तुम्हें कुछ मालूम हुआ वैम्बेरी के बारे में? है कहाँ वो? मैंने कुछ मुलाजिमों और हत्ता के मुहाफिजों से भी पूछा, किसी को नहीं मालूम। ये आदमी आखिर कहाँ जा सकता है? खैर तुम अपनी आंखें खुली रखोगी और अगर कुछ भी पता चले तो फौरन आके मुझे बताना। जी मैं समझ गई। सिनिया सुल्तान की शरबत में सिर्फ और सिर्फ 3 कतरे डालने हैं इसके। हमें खबर मिली है कि बरतानवी वो असलहा अपने खुसूसी जासूस के हमरा यहाँ पर भेज रहे हैं। सांप, वहाँ सांप है, हम मार देंगे सांप को। देहात से सुल्तान है, ये मेरा हाथ है। आज के बाद से मैं महल के लोगों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। वैसे भी मैं उस अखबार से इस्तीफा दे चुका हूँ, जल्द ही वो दफ्तर छोड़ दूंगा। अगर आप उस आदमी से दोबारा मिली तो हम आपको मार देंगे। मार दीजिए।